बच्चों बहुत अहम बात, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू या एफ जो भी जाहिर करते हैं, कभी न्यू से कभी एफ से, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस फॉर विच थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो, देन ऑप्शन ए में ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी यानी लैम्डा न्यू माइनस न्यू नॉट। ऑप्शन बी है द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हैव काइनेटिक एनर्जी एच न्यू। ऑप्शन सी है द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और ऑप्शन डी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। देखो बहुत है, कितनी घूमी हुई एमसीक्यूज आती हैं। आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ लिया, कितना घुमा घुमा के एमसीक्यूज आते हैं। जो टॉपिक कर रहे हो बच्चों उसका पूरा पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम मतलब चुन चुन के एक एक एमसीक्यूज कहीं से भी कोई भी पेपर में आई है। तो देखो फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन मेटल सरफेस फॉर विच थ्री शोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट, देन ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, क्या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम जीरो टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।